यस वी आर लाइव नाउ. हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू और डिस्कस करेंगे आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे टेम्पल आर्किटेक्ट. काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम टेम्पल आर्किटेक्ट के ऊपर जो सीरीज है वो बनाई जाए. तो इससे पहले लास्ट संडे को भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, जो मेरा पार्ट वन था जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन की थी, राइट. तो बहुत टाइम नहीं लेंगे हम आपका और स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ध्यान में रखेंगे कि 30 मिनट्स की सीरीज है तो बहुत जल्दी क्विक वे में आगे बढ़ेंगे. और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कोशिश करें कि उसको बीच में ना पूछ के, हेलो पारो, वेरी गुड मॉर्निंग, कोशिश करें कि उसको कमेंट बॉक्स में डालें और अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं. जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं हर किसी के कॉमेंट्स को देखती हूँ और आपके हर एक कॉमेंट का जवाब मैं दे पाऊंगी, तो ज़्यादा फार बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. जिसको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है कि मैंने लास्ट टाइम संडे को क्या पढ़ाया था, तो प्लेलिस्ट में एक बार जाकर चेक कर सकते हैं. वहां पे डिटेल डिस्कशन आपको, एलिबरेटेड डिस्कशन जिसके हम कहते हैं कि एक एक चीज के बारे में जो डिस्कशन होगी आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है. हेलो संगीता, वेरी गुड मॉर्निंग. तो सबसे पहले क्विक वे में आगे बढ़ेंगे. एनटीयूजीसी नेट के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेती हूँ. सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लर्निंग का ये, और यहाँ पर रहकर आप क्वालिटी कंटेंट को ग्रैप्स कर सकते हैं, अपने लर्निंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना प्रैक्टिस सेशन का इसके ऊपर स्पेंड करें. इसके अलावा लर्निंग जो ऐप है हमारा वो भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आपको फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो पाएंगे. 45 डेज महज आपके इस एग्जाम में बचे हैं, तो कोशिश करें परफेक्शन के साथ जुड़ने की, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके फीडबैक सजेशन के बारे में, और हर वेंसडे को यहाँ पे कोशिश करते हैं न्यू बैचेस को लॉन्च करने की. नाउ SRS10 ये मेरा कोड रहेगा जहां पर मैं बात करूंगी लर्निंग प्रोडक्टिविटी की. और अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो जर्नी है वो सेफ हाथों में, और इंश्योरिटी वाली जो बात रहेगी वहां पर भी ये कोड काफी हद तक आपकी मदद कर सकता है. तो इस कोड को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल ना भूलें. 1st of September से हम अपना न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे आपके सक्सेस की. तो सीट्स लिमिटेड है, वहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. और पेपर वन की बात करें तो जनरल टू ऑल है, सबके लिए अप्रोचेबल है. और संस्कृत हिस्ट्री जो मैं खुद यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको, 11 बजे सुबह मेरी क्लास होती है और उसके बाद, हेलो सुगंधा, वेरी गुड मॉर्निंग. 11 बजे सुबह मेरी क्लास होती है जो भी चल रही है. और आज इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी, तो उससे पहले मैं बता दूँ कुछ 3 नोटिफिकेशंस आपको. और इसके अलावा पहले बता दूँ कि यहाँ पर बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं. आइकॉनिक की बात करूं तो यहाँ पर लंबा सफर हम आपके साथ तय करेंगे, यानी JRF का पेपर क्वालिफाई होने से लेके पास होने तक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके SOPs जो होंगे, डिसिशन जो होंगे, उसके लिए हम आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे. प्लस की बात करें तो लाइव सेशंस हैं, क्विज हैं, स्ट्रक्चर प्लानिंग है, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसको आप देख सकते हैं. नाउ प्लस अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और आइकॉनिक उससे भी ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल से लेके पर्सनल कोच तक यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो काफी खास चीजें आपके लिए रहेंगी, तो उसको ज्वाइन जरूर करें. नाउ SRS10 ये मेरा कोड है, महज 750 का अमाउंट खर्च करना है आपको. और इसके अलावा 2 नोटिफिकेशन मैं बता दूँ. 1st of September से हम यहाँ पे प्लस बैच अपना लॉन्च करने जा रहे हैं, तो लिमिटेड सीट्स हैं, ऑलरेडी सीट्स काफी ज्यादा फुल हो चुकी हैं. जिनको भी एनरोल करना है दे कैन एनरोल वाइल अप्लाइंग माई कोड SRS10, तो काफी हेल्पफुल रहेगा. 10% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहा है. तो महज 40 डेज की प्रिपरेशन आपका आपको करनी है, जो ₹750 में हो सकती है, काफी इजी रहेगा. और इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी भी नहीं है कि आपको उसको पे करने से पहले सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा. नाउ आइकॉनिक भी जो है काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, SRS10 का ये कोड यहाँ पर भी अप्लीकेबल रहेगा आपके लिए. एंड 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. तो 1688 का अमाउंट खर्च करके आप बहुत आसानी से अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. एंड ये कोड आपको न सिर्फ ऑल इंडिया रैंकिंग, बल्कि आपका नेट और JRF काफी हद तक आपके लिए सक्सेस की इंश्योरिटी लेकर आपके साथ बढ़ेगा. तो एनरोल करना बिल्कुल ना भूले. मंडे विल बी द लास्ट डेट फॉर एनरोलिंग इन द कोर्स. नाउ लाइव सेशंस की बात करें तो यहाँ पे लाइव सेशंस हैं, आइकॉनिक कोर्सेज आपको अवेलेबल हो पाएंगे. तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर प्लानिंग है, मोटिवेशनल बूस्टर सेशन है, तो उसके लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़ सकते हैं. एंड 45 डेज का जो क्रैश कोर्स है वो अनअकैडमी पे लॉन्च हो चुका है. हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैंने आज से 10-15-20 दिन पहले ही लॉन्च कर दिया था. तो प्लेलिस्ट जिसको नहीं मिली है वो अनअकैडमी के यूट्यूब के चैनल पे सोनिया सिंह के नाम से सर्च कर सकता है. मोर ओवर 20 कोर्सेज मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं, जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. महज 45 डेज में आप अपना न सिर्फ NTUGC नेट बल्कि ऑल इंडिया रैंकिंग भी क्वालिफाई कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि मैम क्या हम महज 1 महीने में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं. वहीं पर
ये जो SRS 10 का कोड है काफी हद तक आपका पेपर पास करवाने में आपकी मदद कर सकता है। तो इसको आप एप्लीकेबल करें और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोड आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स किसी का भी ले देख सकते हैं। पर जब भी आप कोर्सेज को परचेज करें तो ये कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। 10% का डिस्काउंट मैं यहाँ पर दे रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद आप पेपर 1 पेपर 2 कोई सभी कोर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइन, कोई अगर अप्रोप्रिएट वीडियो आप देखते हैं यहाँ पर अनअकैडमी के साथ तो आप जाहिर सी बात है उसका क्लेम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। एंड स्पेशल क्लास के फीचर्स की बात करूँ तो काफी खास दिन है आपके लिए स्पेशल क्लास में। हिस्टोग्राफी का सेशन काफी बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम कब शुरू करवा रहे हैं, तो ऑलरेडी मेरा कोर्स उसके ऊपर बना हुआ है। पर आपकी डिमांड्स और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए हिस्टोग्राफी का जो सेशन है हम फिर से लॉन्च कर रहे हैं। तो आज 1 बजे डिस्कस करेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, राइट। जिसके पास ऐप नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा स्पेशल क्लास का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 1 बजे डिस्कस करूंगी हिस्टोग्राफी के इंडो जो आपका आर्किटेक्ट है उसके बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 2 डिस्कस करूंगी आपके साथ 4 बजे हिस्टोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और 7 बजे डिस्कस करूंगी कि हिस्टोग्राफी के क्या क्या बायसनेस है और सवाल कैसे बनते हैं विद MCQs, राइट। ये काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। नाउ इंटरेक्टिव सेशंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और पोल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडो आर्किटेक्ट के बारे में। नंबर 2 डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राफी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 3 डिस्कस करेंगे बायसेस क्या है। तो पोल्स के साथ आपको जवाब देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। JRF ऑल इंडिया रैंकिंग को अगर क्रैक करना है तो हिस्टोग्राफी का सेशन पढ़ना ही पड़ेगा। कोशिश करें वहां से पढ़ें, उससे पढ़ें जो आपको बेहतर समझा सकता है। आगे भी रिसर्च में जब आप जाएंगे तो ये कोर्स आपको काफी हेल्पफुल कर सकता है। नाउ यहाँ पे अगर आपको क्लासेस टाइम पर चाहिए होंगे तो टेलीग्राम का चैनल है मेरा, यहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लास के लिए लिंक दिया है नीचे, वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर लें सोनिया सिंह के नाम से। मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आपको मिल जाऊंगी, नोट्स मिल जाएंगे हिस्टोग्राफी के भी, और जो मैं अब तक कोर्सेज पढ़ा चुकी हूँ इजी टू एक्सेस से कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, मेगा ऑफर्स आपके लिए। अनअकैडमी में मैंने आपके प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए कोर्स लॉन्च किया है। 31st विल बी द लास्ट डेट। 6 मंथ के साथ 2 मंथ का कोर्स अवेलेबल रहेगा, 12 के साथ 2 मंथ का कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो SRS 10 का कोड अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो उसको एप्लीकेबल करना ना भूलें। PY क्योंकि बेटी हमेशा मैंने कहा है कि more than 30% रहती है, तो उसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। PYQ उसका वेटेज 70 से 80 नंबर आपको दिला सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल। एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपकमिंग सेशन जो मेरे आ रहे हैं मैं बता दूं, वैसे आपको जानकारी भी मिल जाएगी हमारे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी, पर फिर भी आप जान लें। आज डिस्कस करेंगे इंडो आर्किटेक्ट अभी दोपहर को 1 बजे, उसके बाद शाम को डिस्कस करेंगे 4 बजे हिस्टोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन डिस्कस करेंगे 7 बजे हिस्टोग्राफी के बायसेस क्या है, राइट, जहां से सवाल बनता है हमेशा। उसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मॉडर्न इंडिया के अब तक के सारे PYQs 2020 का, 17 का, 19 का और 18 का पेपर मैं करवा चुकी हूँ, और अभी हमारा 2019 का पेपर यहाँ पे चल रहा है। तो अपकमिंग सेशंस में रिकॉर्डेड में आप टॉप 20 टॉपिक्स को देख सकते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा मुगल की इकॉनमी और आपके सल्तनत की इकॉनमी और टर्म्स लिटरेचर सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड सेशंस आपको अवेलेबल हैं, देख सकते हैं जहां से सवाल बनते हैं। नाउ लेट्स बिगिन ऑन द मेन टॉपिक, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय सोनिया सिंह, राइट। ये 2-3 तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपका, बहुत टाइम नहीं लेंगे, ऑलमोस्ट 9 मिनट जा चुके हैं। तो मेरे साथ पारम है, संगीता है, सुगंधा है। मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम आपको दिया है, तो कोशिश करेंगे 1 मिनट में आप अपने सवाल का जवाब दे पाए। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर अभी डिस्प्ले हो रहा है आपका। जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक नहीं चल रहा है कि हमें हर किसी को मेडल्स देने हैं, जितना भी कोशिश हो सके आप मैक्सिमम सवालों का आंसर दे पाए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट रहता है आप क्वेश्चंस की आंसरिंग कर पाए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की आंसरिंग नहीं कर पाएंगे तब तक काफी हद तक आप सवाल को नहीं समझ पाएंगे। रियल टाइम एग्जाम में अपना क्वेश्चन खराब करने से बेहतर है कि प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस के आंसर गलत है, तो काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ देन टाइमर मैं दे रही हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नागर स्टाइल के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नंबर 1, दिस टेम्पल्स हैव एलिबरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज।
द गर्भ गृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? टाइमर स्क्रीन के ऊपर है जो मैं दे रही हूं आपको, 1 मिनट का क्वेश्चन है, कोशिश करिए इसको जवाब देने की। संगीता मेहता कह रही है 1 का सी होगा। जो बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं 10 के 10 वीडियोस देख के काम ना चलाएं, इसमें नुकसान आपका है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है, गलत चाहे सही एटलीस्ट आंसर देने की कोशिश करें। मैं बार बार कह रही हूँ ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। एनटीए हमेशा सवाल यहाँ से बनाता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछना बंद कर दिया है कि प्रजा और राजा क्या है, या अशोका गद्दी पर कब बैठे थे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट ओनली, जिसको जवाब देना दे कैन चूज। ओके, मिस्टर चूजन कह रहे हैं बी है, आशी कह रही है 1 का सी है, सुगंधा वर्मा कह रही है 1 का सी है। ओके, 10 लोग जुड़े हुए हैं पर सिर्फ 4 लोगों का जवाब आया है। दे कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, योर 3 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली, 3 सेकेंड्स आर लेफ्ट ओनली। आशी कह रही है बी है। ओके ओके, टाइम इज ओवर नाउ, फाइन। सी, ये आपका टेम्पल है नागर स्टाइल का, जो मैं दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर, और फिर बताती हूँ आपको आंसर। ये नागर स्टाइल का टेम्पल दिख रहा है आपको, गर्भगृह यहाँ पर नजर आ रहा है, शिखर इसकी खासियत है, अमरक कलश और जो बाकी चीजें हैं इसकी खासियत हो सकती है। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम के चैनल से, विच इज सोनिया सिंह यूजी सीनियट अंडरस्कोर अन अकेडमी। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैं डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पर, सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज 30 मिनट का सीरीज है, तो इसलिए आप बस पिक्चर्स को देखें और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई भी सवाल है आपका तो कॉमेंट बॉक्स में पूछे, क्लास खत्म होने के बाद आई विल एटलीस्ट गिव योर ऑल द क्वेरीज, आंसर टू योर ऑल द क्वेरीज। फाइन, तो 20 का आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, अनलाइक इन द साउथ इंडियन नागर स्टाइल टेम्पल डू नॉट यूजली हैव एलिबरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, यानी नागर स्टाइल में हमेशा आपके पास बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा, जो है आपका द गर्भगृह इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ नागर स्टाइल टेम्पल्स, जो कहाँ पे हैं, नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर है, जो आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने मिस्टर चूजन एंड मिस्टर पारव का आंसर बिल्कुल सही था, सॉरी बी था हमारा, ठीक है, यस बी विल बी द राइट आंसर। यस, यहाँ पे मिस्टर चूजन एंड आशी का आंसर बिल्कुल सही था, बाकी लोगों ने अच्छा किया है, बहुत अच्छी बात है। एक बार जरूर क्वेश्चन को देखें और आंसर देने की कोशिश करें। टाइमर स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन है द सन टेम्पल एट मोधरा वॉज बिल्ट बाय राजा भीमदेव वन ऑफ, यानी जो आपका सन टेम्पल है मोधरा का, जिन्होंने जिसको बनवाया था राजा भीमदेव वन ने, वो किस डायनेस्टी के थे? गुप्तास के थे, चोलास के थे, पल्लवास के थे, या पालास के थे, या सोलंकी डायनेस्टी के थे? 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर है, कोशिश करें जल्दी जवाब देने की। वो लास्ट 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट, जो लोग जुड़े हुए हैं दे कैन आंसर द क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। द सन टेम्पल एट मोथरा वॉज बिल्ट बाय राजा भीमदेव वन ऑफ, गुप्ता के हैं, चोलास के हैं, पालास के हैं, सोलंकी के हैं? ध्यान रहे सन टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एनटीए सवाल बनाता ही बनाता है इसके ऊपर है, तो आप कोशिश करें जवाब देने की। ओके, मिस्टर चूजन कह रहे हैं डी है, देन सुगंधा वर्मा कह रही है बी है, पारव कह रहे हैं सी है, संगीता मित्रा कह रही है सी है। फाइन, एंड टाइम इज ओवर नाउ। ओके, आशी कह रही है यहाँ पर आपका आंसर डी होना चाहिए, तो देख लेते हैं। योर 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट। मेरे स्क्रीन का और फोन का जो चल रहा है डिस्प्ले, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है कि थोड़ा सा। ओके, ओके, फाइन। तो आपका आंसर ये है सन टेम्पल, जो पिक्चर आपको स्क्रीन के पर नजर आ रही है, काफी खूबसूरत टेम्पल है, मुझे लगता है कि एक बार विजिट जरूर करना चाहिए हमें। नाउ डी इसका आंसर हो जाएगा, और डी है हमारा सोलंकी डायनेस्टी के, यानी कि जो मोधरा टेम्पल सन टेम्पल वाला है वो राजा भीमदेव ने बनवाया था, और जो कि सोलंकी डायनेस्टी से वास्ता रखते थे। तो यहाँ पर जवाब दिया था आशी ने और चूजन ने, सो वेल डन बोथ ऑफ यू, आपका जवाब बिल्कुल सही है, अच्छी कोशिश है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें मेरे टेलीग्राम के चैनल से, बहुत टाइम मैं यहाँ पे नहीं लूंगी आपका। सोलंकी डायनेस्टी के था, 1026 में बनाया गया था, 11th सेंचुरी में ये बना है, राजा भीमदेव ने बनवाया था, एंड ग्रैंडेस्ट टेम्पल रैंक टैंक इंडिया के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर थ्री स्क्रीन के ऊपर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लेटर चालुक्यस और कल्याणी एंड होयसाला डायनेस्टी. यानी जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है. ओके, वेल डन मिस्टर यादव, सही कहा आपने, डी था इसका आंसर. ठीक है, सिर्फ 3 लोगों का जवाब अच्छा रहा, बाकी ने अच्छी कोशिश किया. दे कैन परफॉर्म वेल, एक बार कोशिश करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें. तो सवाल आपका स्क्रीन के ऊपर है, विच इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बता रहे हैं कि आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा, जवाब आप दे सकते हैं कि इसमें से चालुक्यास का, कल्याणी का, होयसाला डायनेस्टी किस किस से वास्ता रखता है. द्रविड़ से है, नागर से, वेसर से, बुद्धिस्ट से है. राइट, यानी चालुक्यास ने और कल्याणियों ने और होयसाला डायनेस्टी ने जितने भी मंदिर बनवाए उनका वास्ता किसके साथ. द्रविड़ के साथ है जो साउथ में पाए जाते हैं, नागर नॉर्थ वाले, वेसर जो साउथ और नॉर्थ का मिक्सचर है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट जो एलोरा की, एलिफेंटा की खास चीजें हैं. द स्कूल इज प्रेवलेंट इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन द विंध्यास एंड द रिवर कृष्णा. इसमें से आपको बताना है कि टेम्पल स्टाइल जो है किसमें दिया हुआ है, इस ये वाला. ठीक है, होयसाला और चालुक्य और यहाँ पे कल्याणी डायनेस्टीज का किससे लेना देना है, कौन से टेम्पल के साथ. द्रविड़ के साथ, नागर के साथ, वेसर के साथ, या बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट के साथ. पूरा 1 मिनट आपके पास है. ओके, आशी कह रही है ए है, सुगंधा वर्मा ने कहा ए है. द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल की बात हो रही है, चालुक्यास की बात हो रही है, कल्याणी की बात हो रही है, होयसाला की बात हो रही है. तो यहाँ पर ठीक है, देख लेते हैं. द्रविड़ स्टाइल की हम बात करेंगे सबसे पहले, तो काफी खास क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रही है. ओके, ठीक है, चलिए, टाइम इज ओवर, फाइन. ये वेसर्स है, सेंट्रल इंडिया का स्टाइल टेम्पल है आपका, देख सकते हैं. ये पीछे द्रविड़ था, ये वेसर आप देख सकते हैं. इसकी क्या क्या खास बातें हैं, टेलीग्राम से आप पीडीएफ निकाल कर एक बार आराम से पढ़ लें उसको. ठीक है, ये आपके टेम्पल्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. ये सब के सब जो टेम्पल है वो वेसर स्टाइल के टेम्पल है. ठीक है, जो वेसर के यहाँ पे है, साउथ एंड नॉर्थ का ये मिक्सचर है. आंसर आपका सी होगा. ठीक है, सी देख लेते हैं क्या है. सी है आपका वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर कईयों ने ए को मार्क किया क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि चालुक्यास, कल्याणी और होयसाला मोस्ट ऑफ डेक्कन और साउथ वाले पार्ट में बसे हुए थे, इसलिए उनको लगता है कि द्रविड़ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है. तो आप गलत हैं बिल्कुल, वेसर का पार्ट होगा जहां पर मिक्सचर किसका है, साउथ और नॉर्थ दोनों का. ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, चालुक्य स्टाइल कर्नाटक स्टाइल के नाम से जाना जाता है. महादेव टेम्पल इत्तगी और जो चेन्नाकेश्वर टेम्पल बेल्लोर वाला है, ये इनकी खासियतें हैं. तो टेलीग्राम से एक बार पीडीएफ निकाल कर आप पढ़ लें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका. सवाल सही था मिस्टर चूजन का, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और यादव का, मिस्टर यादव का भी जवाब बिल्कुल सही है. तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, वेल डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी लोग भी जो जुड़े हुए, दे कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट की बात हो रही है एंड डेवलपमेंट्स की बात हो रही है. तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है. टाइम फॉर द क्वेश्चन विल बी ओनली 1 मिनट. एक बार पढ़ें ठीक से क्वेश्चन, देन आंसर करें. ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्ट है आपका, डेवलपमेंट में कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही रहेगा. राइट, तो कह रहे हैं द डिजाइन ऑफ द टेम्पल स्ट्रिक्टली इंस्पायर्ड बाय नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल. यानी कि जो बुद्धिस्ट के आर्किटेक्ट में टेम्पल बने हैं, मंदिर बने हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो नागर स्टाइल से प्रभावित है. दूसरा, नालंदा स्कल्पचर जो है बिहार वाला, इनिशियली डिपिक्ट द बुद्धिस्ट डीटीज ऑफ वज्रयान. यानी वज्रयान में भगवान बुद्ध को जिस देवता के रूप में पूजा गया है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस है नालंदा स्कल्पचर्स के साथ. तो बताने कि दोनों सही हैं, एक सही है या दो सही है या दोनों गलत है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर है एंड योर लास्ट 14 सेकेंड्स आर लेफ्ट. बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट के बारे में बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट है. पोस्ट मॉडर्न पीरियड से सवाल ये बनता है, जहां से सवाल हमेशा आता ही आता है. और खैर, अमरावती मथुरा से, और आपका जो ग्रीक स्टाइल है आर्किटेक्ट वाला, वहां से तो पिछले कई सालों से सवाल नहीं बना है, बट बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट से सवाल घुमा फिरा कर आ जाता है, खासकर टेम्पल्स के ऊपर. तो उसको ध्यान में रखना है आपने. ठीक है, ओके, मिस्टर चूजन कह रहे हैं बी होना चाहिए, 2 ओनली. ठीक है, बुद्धिज्म की बात हो रही है, नालंदा की बात होनी चाहिए, बिहार की बात होनी चाहिए, लुम्बिनी की बात होनी चाहिए. तो देख लेते हैं कि आपका सवाल सही है या गलत. ये आपका पिक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं.
बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट की बात हो रही है, यानी जो वज्रयान स्टाइल में बने हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। अगर ग्रीक स्टाइल में आप देखेंगे तो थोड़ा सा सबको फर्क नजर आएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी था आपका, ना वन है ना टू है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्यों नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं वाइल डाउनलोडिंग द पीडीएफ। तो कह रहे हैं कि द्रविड़ और नागर स्टाइल में दोनों नहीं पाए जाते हैं विदाउट कर्विंग लाइक अ द्रविड़ वन, ठीक है। एंड डिपिक्ट करता है बुद्धिज्म को, डिटीज ऑफ महायान, वज्रयान में कभी भी नहीं बोला है उसकी डिपिक्शन के लिए, महायान बताता है इसको। और स्टैंडिंग महायान में बुद्धा है, बौद्धिस्त है, एंड जो मंजू श्री कुमार है उनके बारे में अलग अलग नागर अर्जुन का जो स्टेटमेंट वो देखने को आपको मिलेगा। पीछे जो पिक्चर नजर आ रही है ये आपको काफी हद तक नागर अर्जुन को डिपिक्ट करा रही है, और ये आपका मथुरा डायनेटिक से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर है आपका, ध्यान रहे इस बार किसी का भी जवाब सही नहीं रहा, आपने बी को मार्क किया बिकॉज आपको लगता है कि नालंदा वाला जो क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर सही कर सकते हैं, है ना। और ध्यान रहे कि इन्होंने द्रविड़ आर्किटेक्ट की बात की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर है आपका, अगेन टाइमर मैं ऑन कर रही हूँ ताकि आप सवाल पढ़कर जवाब दे पाएं। सिर्फ लॉजिक ना लगाएं अपना, स्टेटमेंट्स को और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखें। क्या ऐसा था कि नागर स्टाइल में कभी बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट में मंदिर बने हैं एलोरा और जनता को छोड़कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर है आपका, देख लेते हैं। सी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से बताना कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है साउथ इंडियन आर्किटेक्ट के बारे में। पल्लवा टेम्पल्स की बात हो रही है, लेड टू द ओरिजिन ऑफ द थ्री डिस्ट्रिक्ट स्पेयर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो कहते हैं कि साउथ इंडिया में जो मंदिर बने हैं उसमें मंडपों का, रथों का और लार्ज सबसे बड़े मंदिरों को बनवाने का काम पल्लवों ने किया है, और पल्लव स्टाइल इज बिलीव्ड टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ महेंद्र वर्मन वन। और पल्लवों ने जितने भी अलग अलग स्टाइल्स के मंदिर बनवाए हैं उसमें महेंद्र वर्मन वन का काफी हद तक हाथ रहा है, ये बताना है आपको कि एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। वेरी फाइन क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन पल्लव टेम्पल्स के ऊपर सवाल हमेशा बनता है। इसके अलावा पल्लव से सवाल आता है संगम एज के ऊपर, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर आप संगम एज को पढ़ रहे हैं पल्लव को नहीं पढ़ रहे हैं तो काफी हद तक आप संगम एज के सभी क्वेश्चंस को लैग कर सकते हैं, राइट मिस्टर। ओके आशी कह रही है सी होना चाहिए बोथ वन एंड टू। संगीता कह रही है ओके टाइम इज ओवर नाउ, देख लेते हैं किस किस का जवाब सही है। सी ये जो आपके टेम्पल्स नजर आ रहे हैं ये आपके पल्लवा स्टाइल के मंदिर बने हुए हैं, ये दोनों को दोनों मंदिर पल्लवा टेम्पल्स की खास चीजें हैं। जहां पे हम मंडप्स की बात कर रहे थे, रथ की और लार्ज टेम्पल्स की बात कर रहे थे, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये वाला जो टेम्पल है आपका वो स्पेसिफिकली महेंद्र वर्मन ने बनवाया हुआ है, महेंद्र वर्मन वन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और ये चोला टेम्पल्स के अलग अलग मंदिरों की खासियत है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर नाउ, सॉरी पल्लव की बात कर रहे थे हम। मिस्टर नायक ने कहा सी है, साक्षी वर्मा कह रही है सी है, ठीक है देख लेते हैं। पल्लव पिलर की एक खास बात है, 5th से 9th सेंचुरी की बात हो रही है, और 8th सेंचुरी में ध्यान रहे सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी ने ही संगम एज में लोगों को जो पॉइंट्स थे उनको अपनी शरण दी थी कि आप अब हमारी जो संरक्षिता है उसको स्वीकार कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो इसमें बाकी चीजें हैं आप टेलीग्राम के चैनल से टेलीग्राम निकाल कर सॉरी पीडीएफ निकाल कर पढ़ सकते हैं। रॉक कट की बात करें, टेम्पल कहाँ पर थे, मंडल्स क्या होते हैं, और मांदूर क्या है, वल्लम क्या है, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम के चैनल से मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वेल डन। यहाँ पर आशी ने सबसे पहले जवाब दिया, सुगंधा वर्मा सी, संगीता का वेल डन सी है, चूजन का सी है, साक्षी वर्मा का सी है, मलाया का सी है, एंड नरसिंह बहादुर यादव का सी भी सी है, वेल डन। तीनों ने भी सही जवाब दिया है, सबसे सही और तेज जवाब रहा है आशी का, राइट। इट्स आशा, यस आशा, इट्स नॉट आशी, इट्स आशा, ठीक है आशा, वेल डन। और बाकी लोग भी भी अच्छी कोशिश की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इंक्लूडेड द कटिंग ऑफ द सिंगल पीस ऑफ रॉक इनटू टेंपल, यानी आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको सबसे पहले एक ही मंदिर में अलग अलग तरीके से पत्थरों को काट कर बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, 1 मिनट आपके पास है जवाब देने का, 1 मिनट बहुत होता है देखिए अगर आप 300 सवालों को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, एनटी के पेपर की अगर बात करें तो 3 घंटे में आपको 300 सवालों को सॉल्व करना है,
सॉरी 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम मान के चले कि बहुत ज्यादा अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो 2 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन पर अगर आप लगाएंगे हार्डली, तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से रखें। आशा इट्स फाइन, इट्स अ मैटर ऑफ अप्रिसिएशन कि जो जो लोग सही सही जवाब दे रहे हैं। सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट इंक्लूडेड द कटिंग ऑफ अ सिंगल पीस की बात हो रही है। योर लास्ट 40 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स आर लेफ्ट। ओडिशा की बात हो रही है, रथ टेम्पल जो पल्लवों ने बनवाया, महेंद्र स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट की बात हो रही है, मामला स्टाइल की बात हो रही है, ममल्ला सॉरी। ओके वेल डन वेल डन। बी कह रहे हैं मैक्सिमम कि रथ टेम्पल जो आर्किटेक्ट है वो रॉक कट में आता है, देख लेते हैं आपका लास्ट। सुगंधा वर्मा कह रही है सी है, संगीता ने कहा सी का सी है, देख लेते हैं। बी और सी में काफी ज्यादा अच्छी वोटिंग है, एक बार सवाल समझ में आएगा तो, यानी कि मैक्सिमम का फोकस है बी और सी का, ए और डी को सबने स्किप किया है, तो देख लेते हैं किसका जवाब क्या होगा। ठीक है, ये जो आपको टेम्पल्स दिख रहे हैं ये रॉक कट टेम्पल्स हैं, यानी पत्थरों को काट कर बनाया गया, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अब ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है दिस इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ रथ कट टेम्पल। ठीक है, अब देखिए त्रिरथ की बात हो रही है, तो नीचे वाला जो बेस होगा ना इसका कुछ इसी तरह से बना हुआ है, ये वाला जो बेस आपको नजर आ रहा है, इसको हम नहीं कह रहे हैं, इसको भी नहीं कह रहे हैं हम, ये वाला जो बेस नजर आ रहा है आपका। नाउ बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, रथ आर्किटेक्ट इसका आंसर होगा, टेम्पल हेंस बी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए वेल डन। यहाँ पे संगीता ने गलत जवाब दिया, संगीता इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश की है तो कम से कम आपने जवाब दिया है। मिस्टर यादव ने डी दिया है, मिस्टर यादव थोड़ा सा सवाल को फिर से देखें। राजकुमार वेरी गुड मॉर्निंग। ओके साक्षी वर्मा ने बी दिया है, सबसे तेज जवाब इस बार रहा है मलाया का, फाइन मलाया वेल डन। और उसके बाद जवाब दिया है पारव ने, फिर आशा ने, फाइन थ्री ऑफ यू। संगीता थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप अच्छा कर रही हैं, और मुझे लगता है ये पहला सवाल है जो आपने गलत जवाब दिया है, बट ठीक है आपने अच्छी कोशिश की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर है, टाइमर मैं ऑन करना भूल गई थी, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके वेल डन। क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा जवाब देना, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने के 7 का, बिकॉज मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है आपके आंसर्स के साथ। मेरे सामने जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और फोन पे जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो थोड़ा सा मैं नाम लेने में हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाऊं। तो इट्स अ हम्बल सबमिशन, प्लीज ट्राई टू बी आंसर योर क्वेश्चन बाय मार्किंग द क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, 8 का डी है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, वट एवर यू वॉन्ट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट फाइन। ओके यू मोस्ट वेलकम अलाया, वेल डन। ठीक है जी, योर लास्ट 18 सेकेंड्स आर लेफ्ट। कंसिडर करना है कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वाला जो है, काफी अच्छा सवाल है, बार बार सवाल इसके ऊपर बनता है, तो कोशिश करें जवाब देने की। ठीक है, टेम्पल इज कर्व्ड आउट ऑफ लिविंग रॉक है, क्या है ये बताना है आपको। ओके योर लास्ट 2 सेकेंड्स आर लेफ्ट ओनली। ओके फास्ट फास्ट, साक्षी वेल डन, पारव वेल डन, मलाया ने सही जवाब दिया, चूजन का है, देन सुगंधा वर्मा, संगीता है, वेल डन वेल डन। पारव का बी है, साक्षी कह रही है बी है। ओके देख लेते हैं, सी कैलाश टेम्पल की बात हो रही है कि जैन टेम्पल में, यानी कि कैला एलोरा वाले में बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुज्म बहुत चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो जैन टेम्पल को देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही वाला है आपका। ठीक है, ये आपका, ये आपको दिख रहा है महावीर जैन की स्टेचूज हैं यहाँ पर, एलोरा से मैंने निकाली है पिक्चर्स, तो आप देख पाएंगे। रॉक कट टेम्पल है, काफी खास है, कैलाश टेम्पल है यहाँ का, तो काफी आपको खास चीजें नजर आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, कभी विजिट नहीं किया जरूर विजिट करें एक बार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है डेक्कन आर्किटेक्ट की। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा कल्बिनेशन ऑफ लिस्ट मिनिमम लॉन्ग ट्रेडिशन इन रॉक कट आर्किटेक्ट के बारे में सबसे शानदार एग्जाम्पल नजर आता है, तो आप देखें कि आपका बी आंसर सही होगा, विच इज टू ओनली। यहाँ पे किस किस का जवाब सही था देख लेते हैं एक बार। ओके क्वेश्चन नंबर बी आपका सही रहा है, जस्ट अ मिनट। चूजन ने सही दिया है, संगीता वेल डन, सुगंधा वेल डन, एंड ठीक है मलाया वेल डन, पारव का बी है वेल डन ऑल ऑफ यू। सबसे तेज जवाब इस बार दिया है चूजन ने, ठीक है वेल डन। और उसके बाद जवाब दिया है यहाँ पर संगीता एंड सुगंधा ने, ठीक है वेल डन, थ्री ऑफ यू फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका, देख सकते हैं। ओके वेल डन जिन्होंने भी सही जवाब दिया है, अच्छी कोशिश है।
क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के ऊपर है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द टेम्पल आर्किटेक्ट, ये बताना है कि किससे कौन सा जुड़ा हुआ है। जस्ट टेक अ लुक ऑफ द क्वेश्चन, काफी लेंदी क्वेश्चन है, गलत बिल्कुल ना करें। काफी अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करके आप द्रविड़ के, नागर के और वेसर के मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर है। ओके, 13 लोग जुड़े हुए हैं साथ में, तो कम से कम बाकी लोग भी जवाब दें, स्क्रीन को सिर्फ ना देखें, राइट? तो आप देख सकते हैं, फाइन। मैं दे रही हूं आपको पोल, 1 मिनट का समय आपके पास है। क्वेश्चन को मुझे लगता है आपने देख लिया होगा, एक बार जवाब दें, स्क्रीन विजिबल है, राइट? अमालका की बात हो रही है, किससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रहे ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं आपके नागर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्ट के साथ। ये ध्यान रखना है कि कभी अगर सेपरेटली भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस किस का दिया हुआ है। मंडप्स की बात करें, कलश, जागती एंड मलाका किस किस का पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके पास होगा, तो कॉमन देकर आप निकाल सकते हैं अपना आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर, सुगंधा वर्मा कह रही है बी होना चाहिए, ठीक है। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3, डी का 4, यानी सबके सब मिले हुए हैं आपस में। ओके, सुगंधा वर्मा कह रही है बी है, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी के चक्कर में सवाल का जवाब गलत ना दें, कम से कम कोशिश करें, ठीक है। मलाया कह रहे हैं ए है, बाकी लोग भी कोशिश कर सकते हैं, एक बार जरूर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। एंड योर टाइम इज अबाउट टू ओवर, गलत जवाब दे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जवाब देने की कोशिश करें। ओके संगीता, वेल डन। संगीता कह रही है 8 का ए होना चाहिए, ठीक है। ओके एंड योर लास्ट 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट, चलिए देख लेते इसका जवाब क्या होना चाहिए। ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये देखिए, ये आपका कलश है, जो मंदिर का टॉप पोर्शन होता है, मंदिरों में आपने देखा होगा। और ये जो मंदिर है आपका नागर स्टाइल का मंदिर है, जो आपका पाया जाता है कहाँ पे, आपके नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, राइट? ये अमालक है आपका, जो आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहा है, शिखर इसको बोला जाता है, मंडप जो आपका अंदर बना होता है, जो मंडप स्टाइल में बने होते हैं, और द मंडप बोला जाता है जो इसके साथ में बने होते हैं, गर्भगृह है ये बिल्कुल इसके बीच में है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, ये आपका नागर स्टाइल का मंदिर है, थोड़ा सा क्लियर और आपको स्क्रीन दिख रही होगी, विच इज मंडप, एंड ये रहा आपका जागती, एंड इसके गर्भगृह नजर आ रहा है आपको, तो काफी खास का चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका ए सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ए का 2 होगा, ठीक है, ए का 2 होगा, बी का 4 है, ये रहा बी का 4 है, ठीक है, ये आपका ए है, सी का 1 होगा, ये आपका सी हो जाएगा, एंड डी का 3 होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो जिन्होंने सही जवाब दिया है देख लेते हैं एक बार। ओके, सुगंधा ने थोड़ा सा लाइक किया, मलाइक वेल डन, मलाया वेल डन, ए सही है आपका, संगीता वेल डन, ए सही है, आशा का बिल्कुल सही है, यानी सिर्फ 3 लोगों ने सही जवाब दिया, काफी टफ क्वेश्चन था, बट मलाया एंड यहाँ पे साथ ही हमारे संगीता एंड लेटर ऑन आशा, वेल डन 3 ऑफ यू, ठीक है। काफी अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, काफी टफ क्वेश्चन था बट अच्छी कोशिश थी, ठीक है। साक्षी, इसका जवाब होगा आपका ए, आशा वेल डन, ठीक है, वेल डन 3 ऑफ यू, जिन्होंने जवाब दिया है अच्छी कोशिश है, खुशी इस बात की कि आप लोग कोशिश करें जवाब देने की, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से निकाल कर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, द फेमस लखान टेम्पल की बात हो रही है, यहाँ पे कहाँ पर सिचुएटेड है ये बताना है आपको, ठीक है जी। काफी इजी क्वेश्चन रहेगा, बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, और ये रहा पोल आपके स्क्रीन के ऊपर, कश्मीर है, कर्नाटक है, एमपी है, ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट का टाइम मैंने दिया है, और आप देखिए कि ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस, ये आप देख सकते हैं, ओके। मलाया कह रहे हैं, मलाया नायक कह रहे हैं बी होना चाहिए, ठीक है, कर्नाटक में है, ओके। ठीक है जी, पारव कह रहे हैं ए होना, सुगंधा वर्मा कह रहे हैं 9 का बी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, कश्मीर है, कर्नाटक है, एमपी, ओडिशा है,
मैक्सिमम का बी है, एक बार आपका जवाब देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, ओके। ये आपका अलत खान टेम्पल है, देख सकते हैं आप, ये उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका फ्रंट पार्ट है जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और बी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में ये बना हुआ है, तो काफी खास मंदिर रहेगा। मलाया ने सबसे तेज जवाब दिया है। पारो थोड़ा सा ध्यान को पढ़े। सुगंधा वेल डन। साक्षी का ठीक है, आशा का ठीक है, चूजन अगेन नाइन बी कह रहे हैं, एंड संगीता मित्रा कह रही है बी है, वेल डन, जिनका आंसर बी है। मलाया ने सबसे तेज जवाब दिया है, तो काफी अच्छी बात है। देख लेते क्वेश्चन नंबर 10 आपका। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप पीडीएफ निकाल के पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के ऊपर है आपका। द शो टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवास किंग। ये काफी आसान है, अभी पीछे भी मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया ही था आपको, तो एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के ऊपर है। ये कह रहे हैं कि महाबलीपुरम जो है आपका किसने बनवाया था, महाबलीपुरम टेम्पल जो था किसने बनवाया था, किस पल्लव किंग ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन वन में, महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन टू ने, या परमेश्वर वर्मन वन ने। ठीक है, काफी तेज जवाब दे रहे हैं। चूजन कह रहे हैं बी है, ओके। संगीता मित्रा कह रहे हैं नाइन का बी है, नरसिंह कह रहे हैं नाइन का डी होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। पारव कह रहे हैं सी होना चाहिए, ठीक है। आशा कह रही है सी होना चाहिए, नरसिंह वर्मन वन टू होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बी है, सी है, डी है, कोई ए को भी बोल दो तो ए बी आ जाएगा। इतना कंफ्यूजन है आपको अपने आंसर देने में, मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है, पीछे भी आपको बताया है दोबारा से। ओके, मलाया कह रहे हैं सी है, ठीक है, ओके। एनीवन एल्स वांट टू आंसर द क्वेश्चन, शुड बी मूव हेड। चलो, तो टाइम इज ओवर नाउ, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पीडीएफ से पढ़ें आप, आंसर आपका सी हो जाएगा, विच नरसिम्हन वर्मन वन, सॉरी टू। ठीक है, देख लेते किसने सही जवाब दिया है। ओके फाइन, जो सही जवाब आया है पारव, वेल डन। आशा का आया है, पारव ने सबसे तेज जवाब दिया है, वेल डन पारव। आशा का उसके बाद है, सुगंधा वर्मा कह रही है सी है, साक्षी वर्मा कह रही है सी है, साक्षी वेल डन, सुगंधा वेल डन, चूजन कह रहे हैं सी है, मलाया कह रहे हैं सी है, संगीता सी, वेल डन ऑल ऑफ यू। पारव ने सबसे तेज जवाब दिया है, वेल डन। पीडीएफ पढ़ लें, निकाल के पढ़ें आप वहां से, टेलीग्राम के चैनल से। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कई बार होता है कि वहां से सवाल घुमा फिरा के बन भी जाता है। ठीक है, ये वही मंदिर है जो नरसिंह वर्मन टू ने बनवाया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर है आपका, देख सकते हैं। 1 मिनट का समय आपको मिलेगा, क्वेश्चन को देखें और पढ़ें। कंसिडर करना स्टेटमेंट नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के बारे में। अब अगर ये गलत हो गया तो काफी ज्यादा आप कॉन्सेप्ट से लैग कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, पारा वेल डन, यू मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर है आपका। नागर स्टाइल का बताना है कि यहाँ पर सही क्या होगा। ये मैं ऑप्शन दे देती हूँ, शायद गलत हो गया, एक दो, देन यहाँ पर आपका दो तीन है, एक दो तीन है। एक दो, यानी ए आ गया आपका, एक दो हो सकता है, दो तीन यहाँ पर, एक दो तीन है, यहाँ पर सिर्फ एक होना चाहिए इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर है आपका, एक बार पढ़ें और जवाब दें। ये बी का ऑप्शन ए है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये नागर स्टाइल का कौन सा इसका खास बात है, पंचायतन स्टाइल है, टेम्पल मेकिंग है, या ये कह रहे हैं कि जनरली देयर वर वाटर टैंक्स ऑफ रिजर्वेयर प्रेजेंट इन द टेम्पल प्रेमिसेस, यानी कि मंदिर के भीतर ही पानी को रिजर्व रखने की जगह होती है, या प्राइस प्लेटफॉर्म्स होते हैं। 11 का ए है, टाइम इज ओवर नाउ, देख लेते हैं। सिर्फ संगीता ने जवाब दिया है एक बार। ये आपका नागर स्टाइल की खास चीजें हैं जो मैंने पहले भी बताया, नागर स्टाइल टेम्पल है आपका। सोल्यूशन बी होगा आपका, विच इज सम ऑफ द फीचर ऑफ नागर स्टाइल, कह रहे हैं कि ये आपका देख लेते हैं, ये वाला जो मैंने वन बताया है आपका, ये होगा सिर्फ ऊपर वाला, ये वाला, दिस वन। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर है आपका, एक बार देखेंगे और जवाब देंगे आप लोग, ठीक है? चलिए, यस, संगीता मैत्रा ओनली वन होगा, चूजन कह रहे 11 का डी होगा, नहीं चूजन डी नहीं होगा, उसका वन था आंसर सिर्फ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर है, ये कह रहे हैं कि लातिना पमसाना एंड वल्लभी स्टाइल ऑफ जो शिखर्स थे मेजरली फाउंड कहाँ हुए हैं टेम्पल आर्किटेक्ट में, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर है, देख सकते हैं आप, और टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। नागा स्टाइल का है, द्रविड़ का है, वेसर का है, सिलेक्शन करना है चारों में से एक, बताना है कौन सा हो सकता है। वल्लभी स्टाइल ऑफ शिखर्स की बात हो रही है, जिसमें शिखर हो, लातिन पमसाना और वल्लभी टाइप्स ऑफ टेम्पल्स किसके हैं, किसकी खास चीजें हैं, नागर नॉर्थ की है, द्रविड़ साउथ की है, या नॉर्थ और साउथ दोनों की है, ये बताना है आपको। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे रही हैं सुगंधा वर्मा, कह रहे हैं डी है, जी जय जी है यहाँ पर, ये कह रहे हैं डी होना चाहिए, ठीक है। ओके, योर लास्ट 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट। पारव कह रहे हैं डी है, ओके यानी एक दो तीन, तीनों में आने चाहिए, नागर में भी है, द्रविड़ में, वेसर में भी है। चूजन कह रहे हैं सी है, ओके ठीक है, देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। ये आपका लातिन है, पमसाना एंड वल्लभी है। एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ निकाल कर पढ़ेंगे टेलीग्राम के चैनल से, जो है सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अनअकैडमी, उसको ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है? सोल्यूशन इसका ए हो जाएगा। ए क्यों होगा देख लेते हैं, यानी सिर्फ नागर स्टाइल का ही है यहाँ पर। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि शिखर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो शिखर किसकी खास बात है, नागर की खास बात है ना, तो ए आपका सही हो जाएगा, वन ओनली। द्रविड़ में क्या है, द्रविड़ इज नॉट अ शिखर है वहां पर मंडप्स नहीं बने हुए हैं। और वेसर में क्या है, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ रथ टेम्पल आर्किटेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये आप देख सकते हैं सोल्यूशन ए स्क्रीन के ऊपर है, पीडीएफ निकाल कर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है? क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन के ऊपर है आपका, ठीक है? एक मिनट का टाइम है, देख रही हूँ आपको, इस सवाल मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, देखती हूँ किसको किसको सा जवाब पता होता है। नाउ, सन टेम्पल एट कोणक एंड लिंग राज टेम्पल एट भुवनेश्वर, जो सन टेम्पल है आपका कोणक में और लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, ये किसके एग्जाम्पल है, सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के, ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के, नायक के, या फिर पाला के, ये बताना है। तो लास्ट 40 सेकेंड्स आर लेफ्ट ओनली, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन के ऊपर है आपका। ओके, पारव कह रहे हैं बी होना चाहिए, यानी ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट से होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं बाकियों का जवाब क्या है। सुगंधा वर्मा कह रही है बी होना चाहिए, ओके, मुझे लगता है 30 सेकेंड्स काफी होंगे आपको जवाब देने के लिए, टाइमर में रोक रही हूँ यहाँ पर। चलिए, आशी कह रही है बी है, आशा कह रही है बी है, सर्वेश्वर कह रहे हैं बी होना चाहिए, ठीक है, ओके, 13 का बी आया है मैक्सिमम का जवाब, तो एक बार देख लेते हैं कि आपका जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है? ये जो टेम्पल आपको नजर आ रहे हैं सन टेम्पल है आपका, ठीक है, काफी खास टेम्पल है तो उसको छोड़ना नहीं है, एक बार ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो सन टेम्पल है कोणार्क वाले की खास चीजें जो आप पीडीएफ से निकाल कर पढ़ेंगे, और सोल्यूशन इसका बी हो जाएगा, और बी है आपका विच इज ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर जवाब दिया था चूजन ने, राइट, सबसे पहले जवाब दिया है, नहीं पारव ने सबसे पहले जवाब दिया है, ठीक है पारव, वेल डन। एंड चूजन ने उसके बाद जवाब दिया है सुगंधा वर्मा का बी है, सर्वेश्वर बी है, वेल डन, आशा का बी है, वेल डन टू ऑल। ओके, मलाया कह रहे हैं बी होना चाहिए, नरसिंह कह रहे हैं बी होना चाहिए, ठीक है जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ओडिशा से जुड़ा हुआ है सन टेम्पल कोणार्क वाला। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन के ऊपर है, देख सकते हैं आप लोग, थर्टी सेकेंड में दूंगी जवाब देने के लिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी नहीं है, इसलिए टाइम बहुत नहीं दूंगी, ठीक है? चलिए,
वट इज द कॉमन टू ऑल टू हिस्टोरिकल प्लेस नॉन एज अजंता एंड महाबलीपुरम, यानी अजंता और महाबलीपुरम इसमें से कॉमन क्या है, कि दोनों यहाँ पर सेम पीरियड में बने हैं, या दोनों की डोमिनेशन जो है रिलीजियस सेम है, दोनों के दोनों रॉक कट है यानी पहाड़ों से काट कर बनाए गए मंदिर, अजंता और महाबलीपुरम की बात हो रही है। पिक्चर्स मैंने दिखा दी हैं आपको, तो बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। 1, 2, 3 ओनली, 1, 3 एंड कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन के ऊपर है आपका, ठीक है। सो टाइम इज ओवर नाउ, देख लेते हैं किस किस का जवाब सही आया है इस बार का। पूछा था अजंता और महाबलीपुरम में खास चीजें कौन सी हैं, ये जो चीजें दिख रही हैं आपको ये हैं अजंता की, ठीक है। रॉक का टेम्पल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये उसका पिक्चराइजेशन है, और ये आपका महाबलीपुरम वाला है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पलवा डायनेस्टी की, ठीक है। सोल्यूशन बी सही होगा आपका, तो जो भी इसका स्टेटमेंट होगा क्यों सही होगा इसको आप देख सकते हैं। तो देखते हैं बी, यानी 3 ओनली, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। दोनों के दोनों किससे बने हुए, पहाड़ों को काट कर बनाए गए हैं, तो ये आपको बताना था। ओके, किसी का भी जवाब सही नहीं आया है इसमें से, क्वेश्चन बी होना चाहिए था। ओके, नर्सिंग का जवाब सबसे तेज रहा है, नर्सिंग, वेल डन, ठीक है जी, वेल डन, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। यस, आशा ने भी बी दिया है, सर्वेश्वर का बी है, सुगंधा वर्मा कह रही है बी है, संगीता कह रही है बी है, चूजन कह रहे हैं बी होना चाहिए, 14 का बी, बहुत सही जवाब सब लोग का है। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन के ऊपर है आपका, देख सकते हैं। 30 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए, तो एक बार सवाल पढ़ें और जवाब दें। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सिल्वर टंका ऑन विच मॉडर्न रूपी इज बेस्ड, कह रहे हैं कि इसमें से सिल्वर टंगा टेम्पल का क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सवाल को लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें से सिल्वर टंका जो है आज का जो हमारा मॉडर्न रुपी है, यानी 1 रुपए का सिक्का, किससे जुड़ा हुआ है सिल्वर टंका, इल्तुतमिश से, बलबन से, रजिया सुल्तान से, अलाउद्दीन खिलजी से। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वेश्वर कह रहे हैं ए है, बहुत तेज जवाब दिया है, इल्तुतमिश का है, ठीक है, कोई और बता सकता है, वेल डन वेल डन। सर्वेश्वर कह रहे हैं ए है, चूजन कह रहे हैं ए है, मलायक मलाया कह रहे हैं बी है, तो अगेन यहाँ पर सबसे तेज जवाब 15 का ए दिया है चूजन ने, ठीक है। आशा कह रही है 15 का ए होना चाहिए, ठीक है। ओके, संगीता कह रही है ए है, सुगंधा कह रही है 15 का ए, सर्वेश्वर अगेन ए, पारव कह रहे हैं ए है, ठीक है, देख लेते हैं। ये सारे के सारे कॉइन्स हैं जो सल्तनत वाले एज में हम देखने को मिल सकता है, दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे गोल्ड कॉइन दिख रहा है, और ये सारे के सारे जो फॉर्मेट्स ऑफ कॉइन्स हैं आपको सब यहाँ पे। सोल्यूशन इल्तुतमिश सबका सवाल जवाब सही है, सब पता ही होना चाहिए था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका ये, तो सबका जवाब सही है, वेल डन। बस मलाया को छोड़कर एंड यस, मलाया थोड़ा सा सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है जवाब देने में। चूजन का जवाब सबसे तेज रहा है, ठीक है, वेल डन। नाउ सुगंधा वर्मा का ए है, एंड मलाया कह रही है बी होना चाहिए। ओके मलाया, एक बार देखें जवाब को अपने, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन के ऊपर है, बहुत टाइम नहीं दूंगी, 30 सेकेंड ही आपको मिलेंगे जवाब देने के लिए, तो जवाब आप देख सकते हैं अभी। चलिए, कैलाश टेम्पल कह रहे हैं कांचीपुरम किसने बनवाया था, कांचीपुरम वाला कैलाश टेम्पल, चेरा ने, चोलास ने, पालास ने, राजकोटा ने। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन के ऊपर है आपका, 10 मिनट और है हमारे पास, और बाकी सवालों को खत्म करेंगे ताकि क्लास जल्दी खत्म कर पाए। 16, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन के ऊपर आपका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, एक बार देखें और जवाब दें। ओके, सर्वेश्वर कह रहे हैं डी है, कईयों का सी है, देख लेते हैं जवाब क्या है इसका। योर टाइम इज ओवर नाउ। ये आपका जो टेम्पल है, ये आपका कैलाश टेम्पल है कांचीपुरम वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पल्लवास ने बनवाया था, एक्सप्लेनेशन इसकी आप देख सकते हैं पीडीएफ निकाल कर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्पल है कांचीपुरम वाला, कैलाश टेम्पल। तो यहाँ पे आशा ने सबसे तेज जवाब दिया है, आशा का सबसे सही जवाब है, आशा, सुगंधा, चूजन है यहाँ पे, संगीता एंड सर्वेश्वर, सबसे तेज जवाब दिया है आशा ने, ठीक है। चलिए, वेल डन। क्वेश्चन नंबर आपका अगेन 17 किया हमने अभी अभी,
16 क्या राइट, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन के ऊपर है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है जी। क्वेश्चन है आपका कि द्रविड़, हमने नागर के बारे में पढ़ा था, अब हम द्रविड़ के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी खास बात क्या है। द्रविड़ स्टाइल जो टेम्पल होते हैं, टाइमर में दे रही हूँ आपको 1 मिनट का, टाइम शुरू हो चुका है। द्रविड़ की खास बात क्या है आर्किटेक्ट की, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन के ऊपर है आपका। कह रहे हैं कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट बिगन विद द राजकोटा रूल, वहां से शुरू होता है राजकोटों के रूल से, या फिर पल्लव ने कंट्रीब्यूट किया था इमेंसली बहुत ज्यादा रॉक कट टेम्पल्स को बनवाने में, और मोनोलिथिक जो रथ है यानी पत्थर से बने हुए जो रथ हैं उनको काट कर टेम्पल बनवाए गए थे। द्रविड़ स्टाइल की क्या खास बात है, राजकूटों ने स्टार्ट किया या पल्लवों ने रॉक कट टेम्पल्स को काट कर बनाना स्टार्ट किया था। साउथ इंडिया की बात हो रही है, द्रविड़ स्टाइल जो टेम्पल्स है साउथ इंडियन की खास बात है। ओके 17 का जवाब सबसे तेज दिया है अगेन चूजन ने, सुगंधा वर्मा कह रही है बी होना चाहिए, ओनली टू। ओके सर्वेश्वर कह रहे हैं 17 का बी होना चाहिए, आशा रानी कह रही हैं अगेन यहाँ पे बी, नरसिंह कह रहे हैं डी है। ओके 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट ओनली, जिसको जवाब देना है दे कैन आंसर द क्वेश्चन, देखते हैं किस किसका जवाब सही हो पाता है। डी कह रहे हैं यहाँ पे मिस्टर यादव। ओके मैक्सिमम का जवाब बी है, बाकी कह रहे हैं यहाँ पे डी होना चाहिए। ओके ये द्रविड़ टेम्पल आपका है, ये देखिए इसके खास चीजें हैं। ओके ये आप देख सकते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन अगर बी की बात करें तो पल्लव आपका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जवाब दिया है जिस जिसने उसको देख लेते हैं। ओके मिस्टर यादव थोड़ा सा कोशिश करें सही जवाब देने की, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मैंने बताया भी अभी अभी। और यहाँ पर अगेन सबसे तेज जवाब रहा है 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 तो चूजर ने सबसे तेज जवाब दिया है यहाँ पे, वेल डन ठीक है। सुगंधा वर्मा का बी है एंड बाकी लोगों का भी बी है, सुगंधा का बी है, संगीता वर्मा, सर्वेश्वर एंड आशा का भी बी है, वेल डन। सी क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन के ऊपर है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि पांच रथ जो पॉपुलरली कॉल्ड है यहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर है वो बताना है कि कौन सा है आपका, ठीक है। दैट इज पंच पांडव रथ जिसके नाम से जाने जाते हैं वो किससे जुड़ा हुआ है। नंबर वन ए है फाइव डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट, यानी जो पांच पांडव, जो पांच पांडव्स हैं उनके रथ के स्टाइल की खास बात है कि पांच टेम्पल बने हुए हैं अंदर, या पांच ग्रेट पल्लवस किंग है उनकी खास बात, या पांच चीजें हैं जो हमारे अचीव करने के लाइफ पे जुड़ी होती हैं और इसमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन के ऊपर है आप देख सकते हैं, एंड वो लास्ट 30 सेकेंड्स लेफ्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है कि पांच पांडव जो रथ हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उसकी विशेषता क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि पांच उस मंदिर की खासियत है, पांच पल्लव किंग ग्रेट जो बनाए हैं उनकी बात हो रही है, या लाइफ में जो अचीवमेंट्स हुए उसकी बात होती है, इसमें से कोई सा भी नहीं है। पांच का बी है फाइव ग्रेट पल्लव किंग की बात हो रही है, देख लेते हैं। आशा वेल डन ठीक है जी। धर्मराज रथ की बात हो रही है जो पांच पांडव्स की हम बात कर रहे थे, इनकम्प्लीट रथ है ये, प्रोबेबली डेडिकेटेड है सबसे, एंड आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे से लिए गई पिक्चर है तो आप देख सकते हैं, एंड रिच इन शैव आइकोनोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बाकी आप पढ़ सकते हैं अलग जाके पीडीएफ से। तो फाइव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट है, यानी यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए, ठीक है ये वाला ए ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर जो पूरा का पूरा टेम्पल है इसके जो पार्ट्स वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सुगंधा वर्मा का आंसर रहा है 18 का ए, बाकी सबने यहाँ पे दिया है गलत जवाब, ठीक है। ओके सुगंधा वर्मा वेल डन ठीक है, सिर्फ सुगंधा का जवाब सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं इसका क्या जवाब है। 30 सेकेंड में दे रही हूँ जवाब देने के लिए आपको, तो आप दे सकते हैं अपना जवाब। 30 सेकेंड सर टाइमर जरूर स्क्रीन। वेसर स्टाइल की बात हो रही है, मैंने बार बार कहा है वेसर इज अ कल्मिनेशन ऑफ साउथ एंड नॉर्थ टेम्पल आर्किटेक्ट की बात हो रही है, तो चोला से ने शुरू करवाया था, पल्लवास का है, चालुक्यास का है, पांड्यास का है, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है हमारा, ठीक है। हमारे 10 सवाल और रह गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 18 का संगीता कह रही है बी है, चूजन अगेन आशा कह रही है बी है, देख लेते हैं। ओके ये आपका नागर स्टाइल है, द्रविड़ है, वेसर है, ये आप देख सकते हैं।
और चालुक्यज आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो सही जवाब दिया है यहाँ पर, सी आप यू आर लाइबल टू आंसर ओनली वन क्वेश्चन। सी ऐसा नहीं होता कि आप पहले बी दे दो फिर सी दे दो, एक जवाब का एक ही जवाब दें आप, ठीक है, वो कंसिडर नहीं होगा कि जवाब सबसे तेज किसने दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ओके, संगीता कह रही है चूजन देन आशा देन सुगंधा का जवाब बिल्कुल सही है, सी होना चाहिए, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ 20th क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, टाइमर यहाँ पे ऑन हो रहा है आपके लिए, तो आप एक बार देख सकते हैं। सी द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ चालुक्य पेंटिंग, ठीक है, कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव टेम्पल, कौन से जो पत्थर से काट के बनाए हुए टेम्पल उसमें चालुक्य का देखने को मिलता है, अजंता का, बादामी का, एलोरा का, एलिफेंट का। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन के ऊपर है आपका। ओके विश्वास, ये आप ABCD दे रहे हैं, सबका जवाब है ये, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब है। ओके एंड योर लास्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 20th है भाई ये, 20वां 19वां नहीं है, ठीक है। यस, संगीता मैत्रा कह रही है बी, 20 का डी है, सुगंधा कह रही है 20 का ए होना चाहिए, देख लेते हैं जवाब आपका क्या है। ये आपका रॉक केव टेम्पल है जो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपका, और ये आपका आंसर ओनली वन एंड टू हो जाएगा, तो देखते हैं आपका आंसर वन एंड टू कौन सा था, जस्ट अ मिनट। वन एंड टू यानी बी आपका आंसर सही हो जाएगा, और वन एंड टू यानी अजंता और बादामी से मिले जुले हुए टेम्पल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो बी देखते हैं किस किस का था। ओके बी जवाब किसी ने भी नहीं दिया है एक्सेप्ट चूजन को छोड़ के। चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 21, एलिफेंट्स वाज ओरिजिनली कॉल्ड एलिफेंटा, सॉरी एलिफेंट्स कह रही हूँ, इट्स एलिफेंटा की गुफाएं, गुफाओं की बात हो रही है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको, स्क्रीन के ऊपर आपका जवाब है। सिरपुरी है, मामलपुरम है, देवद्वीप है या शिवद्वीप है, ठीक है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन के ऊपर है आपका, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। अंकुश कह रहे हैं 20 का बी होना चाहिए, ओके। ठीक है, एलिफेंटा जो केव्स किससे जुड़ी हुई हैं ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन के ऊपर है आपका। अंकुश वेल डन, ओके, 21 का बी जवाब आ चुका है सबसे पहले चूजन का। अंकुश अगेन कह रहे हैं बी है, ठीक है। सुगंधा वर्मा कह रही है बी होना चाहिए, संगीता कह रही है बी होना चाहिए, आशा कह रही है डी होना चाहिए, सरबनी कह रही है बी होना चाहिए, सरबनी बहुत लेट से ज्वाइन किया है आपने। उसके बाद मलाया कह रहे हैं 21 का डी होना चाहिए, यानी कि आपको कंफ्यूजन है बी और डी में, देख लेते हैं कि कौन कौन लीड कर रहा है इस बार, इन योर टाइम इज ओवर नाउ, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है टेम्पल, और ये आपका सिरपुरी जो हो जाएगा सही जवाब होगा, क्यों होगा पीडीएफ निकाल कर पढ़ लें आप लोग, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी, टाइम बहुत चला जाएगा, रैपिड फायर सेशन था इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आंसर सिरपुरी हो जाएगा, और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है इसका, ठीक है, किसी का गेस ही नहीं था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फोकस ऑन द बी एंड द डी, शिवदीप या मामलपुरम, कि महाबलीपुरम की बात हो रही है, तो एलिफेंटा केव से कुछ लेना देना है उससे। अब देवदीप शिवदीप क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग दे, पोर्तुगीज की बात हो रही है, सीइंग लार्ज फिगर ऑफ एलिफेंट नेम्ड एलिफेंटा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 स्क्रीन के ऊपर है, द चीफ फीचर्स ऑफ द चोलास टेम्पल कौन कौन से हैं, ये मैं 30 सेकंड दूंगी आपको बताने के लिए जवाब,
क्वेश्चन लेंदी नहीं है, इसलिए बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका, 30 सेकंड्स में दूंगी ताकि आप जवाब दे पाएं, आराम से सवाल पढ़ लें फटाफट से। सवाल है आपका कि चीफ फीचर कौन सा है चोला टेम्पल्स का, ये बताना है आपको। अर्धमंडप, महामंडप, विमान या नंदी मंडप। ठीक है, चोला टेम्पल्स की बात हो रही है तो ध्यान रखें टेम्पल्स बने हैं वेसर स्टाइल में, प्लस वेसर स्टाइल में, तो वेसर कवर करता है साउथ को और साथ में नॉर्थ वाले पार्ट को। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे थे ना, कलश था वहां पे, अर्धमंडप था, गृहगर्भ था, तो नागर की बात थी जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22, मलाया ने सबसे तेज जवाब दिया, कह रही है सी होना चाहिए विमान। अंकुश कह रहे हैं 22 का सी होना चाहिए, चूजन कह रहे हैं 22 का सी, सुगंधा 22 का सी, आशा कह रही है सी, संगीता अगेन सी, एंड पारव कह रहे हैं बी होना चाहिए। राइट, पारव ने सिर्फ कहा है बी होना चाहिए, देख लेते हैं द पोल इन बिटवीन 22 एंड बी। ठीक है जी, ये आपका जो टेम्पल नजर आ रहा है, ये आपका, ये अगेन, ये चोला टेम्पल्स की खास बातें हैं, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने बुक से। कुछ जो खास चीजें हैं वही मैंने बताने की कोशिश की है, तो आप पढ़ सकते हैं बाद में स्क्रीन, वहां से पीडीएफ निकाल लें। विमान सही जवाब होगा, वेल डन, जिन्होंने भी जवाब दिया है आपका, बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सॉरी बी है, सी है यहाँ पे, सी, वेल डन। ठीक है जी, तो सबसे तेज अगेन जवाब मलाया ने रहा, मलाया ने दिया है। मलाया वेल डन, ये आई थिंक आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सबसे पहले। ठीक है बाकियों का भी जवाब सही है। पारव थोड़ा सा सवाल को पढ़ें, सर्वेश्वर कह रहे हैं सी, सर्वेश्वर ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर अगेन 23 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, काफी इजी है, अगर इसका जवाब पता नहीं हुआ ना तो आप ये मान के चले कि आप एनटी में बैठने के काबिल नहीं है। आप हिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में नेट देना चाह रहे हैं, और जिसको इसका जवाब नहीं पता होगा आप ये मान के चले कि यू आर नॉट ऑथराइज टू सिट इन द एग्जाम, अगर इस क्वेश्चन का जवाब पता नहीं होगा आपको तो। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुमार गुप्त मान का है, हर्षवर्धन की बात हो रही है, चंद्रगुप्त टू है, चंद्रगुप्त मान है। ठीक है, ये बताना है आपको। 23 का सबसे तेज जवाब दिया है यहाँ पर, आशा कह रही है ए होना चाहिए, वेल डन आशा। चूजन कह रहे हैं 23 का ए है, वेल डन वेल डन। मिस्टर यादव कह रहे हैं डी होना चाहिए, ठीक है, ए और डी में काफी कंफ्यूजन है। ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी नई भी बन रही है तो ये आप देख सकते हैं। कुमार गुप्त वन आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वन बिल्कुल सही है, एंड आशा ने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया है, वेल डन आशा। ठीक है, सबसे पहले जवाब उन्होंने दिया है। सरबनी महिमा कह रही है ए, महिमा वेल डन, महिमा कह रही है ए होना चाहिए, संगीता कह रही है ए होना चाहिए, सबका सही है एक्सेप्ट मिस्टर यादव, थोड़ा सा सवाल को पढ़ें, एंड चंद्रगुप्त टू का कुछ लेना देना नहीं है वहां पर, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा डायनेस्टी से कनेक्ट भी कर पाए ना आप लोग। तक्षशिला कहाँ पे है, नालंदा कहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24, 5 सवाल हमारे पास और हैं, एंड रिमेम्बर इट, इसके बाद सब लोग बताएंगे किसके कितने सवाल सही रहे कॉमेंट बॉक्स में। फिलोसफीज की बात हो रही है, आर्ट एंड कल्चर का सवाल आपके सामने फिर से है, काफी इंपॉर्टेंट है, एनटीए बार बार सवाल पूछ चुका है, टाइम मैं दे रही हूँ आपको 30 सेकेंड का स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, ये रहे आपके लास्ट 30 सेकेंड्स ऑन द स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका न्याय सांख्य और विशेषज्ञ किस किस की खास बातें हैं, इसमें से कौन सा सही है। मैच द फॉलोइंग, न्याय क्या कहता है कि आर्ट ऑफ रीजनिंग है, सांख्य सिस्टम ऑफ लॉजिक है, या विशेष है कि डिस्कस ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स है, ओनली वन टू या थ्री या सबके सब सही है, ये बताना है आपको। इसमें से सही मैच कौन सा है, वन टू थ्री और या फिर तीनों या कोई सा भी नहीं या सबके सब। 24 का कह रहे हैं यहाँ पर अंकुश कह रहे हैं डी होना चाहिए, सुगंधा कह रही है बी होना चाहिए, संगीता कह रही है बी होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आपका जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शन नंबर 3, ओनली 3 जो है वो आपका सही होगा, ये वाला,
वैशेषिक कहता है डिस्कशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स की बात होती है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल कर पीडीएफ पढ़ लें टेलीग्राम के चैनल से, इसकी एक्सप्लेनेशन वहीं से मिलेगी आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन के ऊपर है आपका, ये आप देख सकते हैं। और इसमें से सही जवाब सिर्फ पारव ने दिया है और किसी का भी जवाब सही नहीं था। एक बार ध्यान से पढ़ें सवाल को तब जवाब दें आप लोग, जल्दबाजी में जवाब ना दें, गलत हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट। अगेन सवाल सेम है, मिलता जुलता, थोड़ा सा जवाब दे। 1 मिनट का टाइम दे रही, क्योंकि सवाल लेंदी है तो पढ़ने में टाइम जा सकता है आपका। बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट की बात हो रही है, ये वही जिसने किसी का भी जवाब सही नहीं दिया था। स्ट्रिक्टली इंस्पायर्ड किससे है, नागा स्ट्रक्चर का, नालंदा के स्कल्पचर से, वज्रयान वाले से, या इसमें जो डिजाइन है वो नागा स्टाइल से बना हुआ है, ये बताना है आपको। ओके, महिमा कह रही है सी होना चाहिए, पारव कह रहे हैं सी होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है। मलाया कह रहे हैं 25 का बी होना चाहिए, अच्छा ठीक है, 25 का बी होना चाहिए। सुगंधा वर्मा कह रहे हैं 25 का बी होना चाहिए, देख लेते हैं आपका जवाब। ये आपका बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर में नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपका, और ये आपकी बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट इंडिया की खास बात है। कहाँ से मिलेगी पीडीएफ आपको, सोनिया सिंह सीनियट अंडरस्कोर एन अकेडमी से, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लें और पीडीएफ वहां से निकाल कर पढ़ लें आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है मॉरन पोस्ट मॉरन से यहाँ से, ठीक है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे पीडीएफ निकाल कर, आराम से तसल्ली से बैठकर पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ना तो 1 है ना 2 है, ठीक है। यहाँ पे संगीता ने सबसे तेज जवाब दिया था, सॉरी आशा ने, और उसके बाद संगीता ने, ठीक है। फाइन आशा, वेल डन। आशा और संगीता ने सबसे तेज जवाब दिया है हाल फिलहाल में, 25 का डी होना चाहिए। ये सवाल मैं अभी अभी करवाया है मैंने, सर बनी डी होगा इसका, बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कटिंग ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक टेम्पल, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं जवाब देने के लिए। ओडिशा का है रथ टेम्पल है, महेंद्र स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट या मामला स्टाइल टेम्पल है, ये क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन के ऊपर है। काफी इजी सवाल है, बार बार सवाल यहाँ से बनता है, और बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट जो आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वहां से भी सवाल हमेशा बनाया जाता है, ठीक है जी। कटिंग कौन सी है रॉक टेम्पल की, ओके मलाया वेल डन, 26 का कह रही है बी होना चाहिए, ठीक है, रथ टेम्पल आर्किटेक्ट है, ओके मलाया का 26 का बी है, आशा कह रही है बी है, पारव कह रहे हैं बी है, सुगंधा वर्मा कह रही है बी है, वेल डन। चलिए चलिए ठीक है, ये आपका रॉक टेम्पल कट टेम्पल है, इसको आप देख सकते हैं, बी आपका सही होगा, रथ टेम्पल्स की हमने बात की थी अभी अभी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यहाँ पर, इट्स नॉट द 7, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा, इट्स क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है आपका, ये कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट जैन टेम्पल आर्किटेक्ट से, अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सवाल आप पढ़ सकते हैं, 30 सेकेंड आपको मिलेंगे जवाब देने के लिए। चलो कैलाश टेम्पल की बात हो रही है, कह रहे हैं कि एलोरा में जैन टेम्पल आर्किटेक्ट है वहां पे, या टेम्पल्स की जो कार्व्ड है आउट ऑफ लिविंग रॉक से बाहर बना हुआ, ये बताना है आपको कि तीनों चारों में से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन के ऊपर है आपका। महिमा कह रही है बी है, ठीक है। अंकुश सरबनी महिमा, ठीक है आपका जवाब, वेल डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लें एक बार आप लोग, पर कह रहे हैं 27 का बी है, ओके आशा कह रही है बी है, क्वेश्चन को लिख के बताएंगे कौन से क्वेश्चन का जवाब आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ऊपर से जवाब सबसे पहले कम ज्यादा किसका आ रहा है, मिक्स हो जाते हैं वो कि पहले आपने कौन सा दिया है बाद में कौन सा दिया तो पता नहीं चलता है। पारव कह रहे हैं 27 का बी है, मलाया कह रहे हैं 27 का बी है, ठीक है जी, देख लेते हैं जवाब आपका। ये आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट है जो अंदर बना हुआ है आपका एलोरा वाले केव में, ठीक है, अजंता वाले केव में, सॉरी। नाउ द ग्रेटेस्ट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका आगे है, क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन के ऊपर है, टेम्पल्स एंड सिंबल्स की बात हो रही है, पाइलॉन्स ऑफ इजिप्टियंस टेम्पल्स की, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भारतीय मंदिरों को कैसे अलग करते हैं मिस्र के जो टेम्पल्स हैं, यानी कि इजिप्ट के जो टेम्पल्स हैं। 30 सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इसका जवाब पता होगा। लाट, विमान, गोपुरा या शिखर, यानी इजिप्ट के जो टेम्पल हैं ये, और आपके जो टेम्पल्स हैं
क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्यान रहे आपके काफी मिलते जुलते, तो कह रहे हैं कि रिसेम्बल्स क्या करते हैं आपस में, विमान सेम है, गोपुरा सेम है, शिखर है या लट है। सुगंधा वर्मा के लिए बी होना चाहिए इसका, विमान। अच्छा ठीक है, 27 का बी होना चाहिए जी। मलाया कह रहे हैं बी होना चाहिए। ओके 28 का मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, 28 का अंकुश कह रहे हैं बी होना चाहिए, सॉरी ए होना चाहिए। आशा कह रही है 28 का ए होना चाहिए। सुगंधा अगेन ए, मिस्टर यादव का भी ए है, देख लेते हैं। ये आपका इजिप्ट के टेम्पल्स हैं, ध्यान दे सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी तस्वीर। और ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा विमान, ये सही हो जाएगा। हिंदू टेम्पल्स को देखो और इजिप्ट वाले को देखो, इसको देखो ठीक है। ये जो विमान है इसका, ये वाला, ये इसकी खास चीज है, इसमें इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या है? अगर हिंदू टेम्पल को देखोगे और अगर इजिप्ट के टेम्पल्स को देखोगे तो कॉमन चीजें हैं। हम शिखर की बात करते हैं, विमान की बात करते हैं, मंडप्स की बात करते हैं, उसकी बात हो रही है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, एक सवाल हमारा और रह गया है, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। प्रोग्रेस चेक करेंगे आप लोग अपनी, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन के ऊपर है और यहाँ पे जवाब किसी का भी सही नहीं था क्वेश्चन नंबर 29 का। लियो लास्ट 30 सेकेंड्स ऑन योर स्क्रीन एंड टाइम इज देयर। एलिफेंट्स केव्स गुफाएं वॉज प्रीडोमिनेंटली एट्रीब्यूटेड टू विच हिंदू गॉड, ये बताना है आपको। काफी आसान है, जिसने मेरी लेटर वैदिक की और अर्ली वैदिक की क्लास देखी है कॉन्सेप्ट वाली, उससे ये सवाल छूटेगा नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ। ओके 29th क्वेश्चन है, वेल डन मलाया। मलाया कह रही है 20, कह रहे हैं कि 29 का ए होना चाहिए। पारव कह रहे हैं अगेन ए, अंकुश अगेन 29 का ए होना चाहिए। एंड योर लास्ट 3 सेकेंड्स आर लेफ्ट। सुगंधा वर्मा कह रही है ए होना चाहिए जी, ठीक है। चलिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट हम सभी जानते हैं ठीक है। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। किसका फेज है ये? लेटर वैदिक वाले का पार्ट है। बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी क्योंकि तब सबसे पहले हमने प्रकृति को छोड़कर भगवान की पूजा यानी जो आइडल वर्शिप स्टार्ट करनी शुरू की थी, तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, वहीं से लिया गया, काफी खास है हमारे लिए। नाउ आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड शिवा, ए जो था इट इज आर राइट आंसर। एंड योर लास्ट क्वेश्चन विल बी ऑन स्क्रीन। द पगोडाज एट महाबलीपुरम हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो आप जवाब दे सकते हैं। वेल डन, जिनके सबका जवाब सही था यहाँ पर, और सबसे तेज जवाब यहाँ पे मलाया ने दिया था, ठीक है मलाया, वेल डन। चलिए सरबनी ने भी सही, विभा कह रही है ए है, महिमा कह रही है 29 का ए होगा, जाकिर हुसैन कह रहे हैं ए होना चाहिए, आशा 29 का ए, सुगंधा वर्मा 29 का ए, अंकुश, पारव एंड मलाया, वेल डन ऑल ऑफ यू, गुड जॉब। चलिए मैं आपको यहाँ पे टाइमर दे देती हूँ, आपको दूंगी सिर्फ 30 सेकंड जवाब देने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन काफी छोटा है एंड फैक्ट के ऊपर बेस है, या तो आता है या तो नहीं आता, दो ही चीजें हैं ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बाय विच डायनेस्टी? चोला, चालुक्यस ऑफ कल्याणी, पालास एंड पल्लवास एंड पांड्यास, ठीक है। 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर हैं आपके, ए बी सी एंड डी, ये बता सकते हैं आप, या फिर 1, 2, 3 एंड 4 भी बता सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। पगोडास की बात हो रही है, महाबलीपुरम की बात हो रही है, तो काफी खास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओके मलाया यू मोस्ट वेलकम। आशा कह रही है मलाया अगेन 30 का 3 बोल रही है, ठीक है। आशा अगेन 30 का C, पारव 30 का C है, विभा कह रही है ए होना चाहिए, देख लेते हैं अभी। सुगंधा वर्मा सी कह रही है, मिस्टर यादव कह रही है ए होना चाहिए, महिमा अगेन सी, ओके अंकुश कह रहे हैं सी, विभा कह रही है ए, देख लेते हैं। ये आप जो आपका टेम्पल है अगेन, ये महाबलीपुरम वाला टेम्पल है आपका, पगोड़ा वाला ठीक है। और ये रहा अगेन सेम जो चोलास के टाइम पे बना है, तो आपका चोलास जो होगा विल बी ऑन राइट आंसर, ए आपका सही हो जाएगा ठीक है। चोलास के टाइम में और पल्लवास के टाइम पे, ध्यान रहे आपको एक चीज पहले मैं बता दूं, सही जवाब किस किस का है? विभा, वेल डन, विभा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके विभा का जवाब सबसे सही था, विभा वेल डन, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसके बाद मिस्टर यादव ने सही जवाब दिया है, ओके ठीक है। एंड विभा अगेन कह रही है ए है, यानी कि सिर्फ 2 लोगों का जवाब सही रहा है यहाँ पर। ओके नहीं, किसी का भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर, यस
मिस्टर यादव का जो जवाब था और विभा का, इन दोनों का जवाब सही रहा है, सभी का जवाब गलत था। चलिए क्लास इज ओवर नाउ। 30 क्वेश्चन थे, काफी अच्छी क्लास रही, काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, एंड जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया काफी शानदार रहा। जाकिर कह रहे हैं बी होना चाहिए, जाकिर जाकिर राइट, जाकिर इसका ये बी नहीं होगा, चोलाज होगा राइट। चलिए क्लास खत्म करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि काफी खास क्लास रही, पीडीएफ आपको मिलेगी एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, जो है सोनिया सिंह सीनेट अंडरस्कोर अनअकैडमी। जिसके पास ये नहीं है, आपने अभी तक किया इसको लॉगिन और सब्सक्राइब, तो उसको आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हर रोज की पीडीएफ क्लास की इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, दो इन्फॉर्मेशन बताऊंगी देन वी विल ओवर द क्लास। विभा इट्स फाइन, दे रहा है दुरुस्त वाली आए वाली बात थी। विभा वेल डन, एंड एंड यू एंड द सेशन वेरी फैंटास्टिक वे बाय आंसरिंग द वेरी टफ क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए था इसका जवाब, बट आई डोंट नो व्हाई द पीपल लाइक द क्वेश्चन। फाइन इट्स फाइन। मलाया यू मोस्ट वेलकम। महिमा कह रही हैं ओके। महिमा सवाल आप समझ नहीं पाए थोड़ा सा, ये पगोडास की बात हो रही है, जो पर्टिकुलर यहाँ पे टेम्पल नजर आ रही है इसकी बात कर रहे हैं, दिस वन ठीक है। सवाल थोड़ा सा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, महाबलीपुरम तो था ही, पगोडास की बात हो रही है, तो कहाँ पर किसने बनवाया था उसकी बात हो रही है। देखा जाए तो पल्लवास ने तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है, पर पर्टिकुलर पूछा गया इसमें से ठीक है। फाइन महिमा ठीक है, चलिए ओके। आशा भाई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं करवाया है क्योंकि टाइम की कमी रहती है, एक्सप्लेनेशन करने बैठूंगी तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा। कोशिश यहाँ पे क्योंकि 40 दिन आपको एग्जाम में बचे हैं, इसलिए मैं बहुत तेज तेज बोल भी रही हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई माई व्यूज एंड थॉट्स एज पर ऑन वे ऑन वे। तो 40 दिन आपको एग्जाम में बचे हैं, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस किया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी आपको दिया गया है, पर एक्सप्लेनेशन का पार्ट पढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, और वहां से आपको मिलेगी पीडीएफ। आराम से निकालें उस पीडीएफ को, आराम से सवालों को देखें पढ़ें। आई मेक श्योर करती हूँ कि एनटीए यहाँ से आपके 3 से 4 सवाल बना ही बना रहा है। एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट के ऊपर फोकस इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को पढ़कर आप मैक्सिमम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं और आंसर आपको देने पड़ेंगे बाद में जब आप पेपर में बैठेंगे राइट। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर लें। दो चीजें बता दूं, 1 बजे डिस्कस करूंगी आपके साथ इंडो आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में ठीक है। कहाँ डिस्कस करूंगी? अपने टेलीग्राम सॉरी अपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और SRS 10 ये मेरा कोड रहेगा। मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, 30 दिन की स्ट्रैटेजी है आपको ऑल इंडिया रैंकिंग दिलाने का और JRF दिलाने का, ये मेरी इंश्योरिटी है विद द कोड। तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फाइन नाउ बात करेंगे 1 बजे इंडो आर्किटेक्ट के बारे में, 4 बजे डिस्कस करूंगी हिस्टोग्राफी के बारे में जो डिस्कस होगा आपका ऑब्जेक्टिव्स, और 7 बजे डिस्कस करूंगी आपके साथ 7 o'clock इन द इवनिंग में आपके बायसेस क्या हैं हिस्ट्री में ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आज के पूरे सेशन से आपको मिलेगा कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एनटीए के पेपर में। और मेरा 1 हफ्ते का पूरा जो शेड्यूल है यूट्यूब के ऊपर स्पेशल और जो रहेगा वो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, तो यहाँ से आप लोग जाके मेरा शेड्यूल भी देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और स्पेशल क्लास में भी फॉलो करें और यहाँ पर भी फॉलो करें अगर आपको चाहिए पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ ठीक है। और जो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कोई खास एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि PYQs करने इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट ठीक है जी। चलिए ओके। जाकिर थैंक यू सो मच। महिमा है यहाँ पर, थैंक यू सो मच टू ऑल। विभा वेल डन, सभी ने काफी अच्छा जवाब दिया, मलाय का काफी अच्छा जवाब रहा है यहाँ पर, एंड सरबनी वेल डन। सरबनी थोड़ी देर से आई बट अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, क्लास कैसी लगी और आने वाले 1 हफ्ते में आप क्या पढ़ना चाहते हैं राइट, ये बताना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आपका कॉमेंट हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकता है, जो काफी जरूरी रहेगा हमारे लिए। सो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट 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 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी। मिलते हूँ 1 बजे आपके साथ स्पेशल क्लास में वाइल डिस्कसिंग द इंडो आर्किटेक्ट और क्या इंपॉर्टेंस है विद MCQs, एक्सप्लेनेशन के साथ विद MCQs।